तो अभी तक हमने जो परम्यूटेशन किया है उसमें सभी ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअल में डिस्टिंक्ट लिया हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ है अपने पास, इसको अगर अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से किया जा सकता है। फैक्टोरियल ऑपरेटर बेसिकली चीज़ों को डिस्टिंक्ट मानकर ही अरेंजमेंट करता है। 3 फैक्टोरियल बेसिकली हमको अलग अलग अरेंजमेंट्स देगा। ठीक है, ये हुआ पहला, फिर ए को वहीं रख के सी बी, ऐसा एंड सो ऑन, अलग अलग अरेंजमेंट्स हम लोग को मिलते जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का कोई सामान अपने पास रखा हुआ है, अब इसको अरेंज करना है अगर, तब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये अपने को देखना है। अब अगर 3 फैक्टोरियल हम इस पर चलाते हैं तो ये जो फैक्टोरियल ऑपरेटर है ये कैसा है, ये इन तीनों चीज़ों को डिस्टिंक्ट मानकर ही अरेंज करेगा, और जो भी अरेंजमेंट्स अपने को मिलेंगे उसमें कुछ रिकाउंटिंग होगी, क्योंकि जब जब ये दोनों आपस में अरेंज होंगे तब तब कैसा वो चीज़ रिकाउंटिंग रहेगी, वही देखना है कि रिकाउंटिंग होती कैसे करके। बेसिकली ये बात का ध्यान रखना है अपने को कि जो फैक्टोरियल ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट मानकर अरेंज करता है, तो वो किस तरह से अरेंज करेगा, जैसे 3 फैक्टोरियल तरीके से जब वो अरेंज करके दे रहा है तो कैसा देगा, ए वन ए टू सी, ठीक है, फिर ये दोनों आपस में अरेंज हो जाएंगे ऐसा, है ना। अब इसके बाद जैसे अगर एक दूसरा अरेंजमेंट में लेता हूँ तो उसमें फॉर एग्जांपल सी ए वन ए टू, और फिर अगला एक आ जाएगा सी ए टू ए वन, इसमें भाई ये दोनों एक ही है, ये दोनों भी एक ही है, वाई, बिकॉज ए वन इज़ इक्वल टू ए टू, ठीक है। तो हर एक अरेंजमेंट एक्चुअल में ऐसे अपने पास दो 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 के एक्चुअल में बबल्स बन जाएंगे सारे के सारे। 3 फैक्टोरियल तरीकों में एक्चुअल में दो 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 के पेयर्स बन रहे हैं, जो कि एक पेयर एक्चुअल में इक्वलेंटली एक ही है ना, ये वाला इक्वलेंट टू एक ही अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट भी एक्चुअल में एक ही अरेंजमेंट के इक्वलेंट है, ठीक है। तो इसमें हर जो एक बबल अपने को मिल रहा है, जो ये एक पेयर मिल रहा है वो एक्चुअल में एक के बराबर है, तो इसका मतलब रिकाउंटिंग कितने टाइम्स हो रही है भाई, 2 फैक्टोरियल टाइम्स, क्योंकि ए वन और ए टू को आपस में अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके हैं, तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स अपनी रिकाउंटिंग हो रही है। हर एक अरेंजमेंट एक्चुअल में 2 फैक्टोरियल टाइम्स बार गिना जा रहा है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा की जो रिकाउंटिंग है उसको अकाउंट में लेने के लिए अपन ने ये चीज़ ऐसे डिवाइड की है। अभी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास इतने होंगे, ठीक है। खैर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ये चीज़ है डैडी, एक दूसरा वर्ड है, इसमें जब अरेंजमेंट ऑपरेटर अपना रन करेंगे हम, तो वो चीज़ अपने को 5 फैक्टोरियल देगी। 5 फैक्टोरियल में अपने पास चीज़ें, फैक्टोरियल ऑपरेटर जब भी ऑपरेट करता है तो वो इस तरह से ऑपरेट करता है जो ये मानकर चलता है कि ऑब्जेक्ट जो अपने सामने रखे हुए हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो जैसे ये चीज़ उसने पहले दे दी, ये चीज़ उसने दे दी, अब इसके बाद एक चीज़ ये भी आएगी, जब ये तीनों आपस में अरेंज होंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल डी टू, फिर ये डी वन डी थ्री, अब जब जब ये डी वन डी टू डी थ्री आपस में अरेंज होते जाएंगे तब तब अपने को वही वही सेम चीज़ मिलती जाएगी, वाई, बिकॉज डी वन इज़ एक्चुअली इक्वल टू डी टू इक्वल्स टू डी थ्री। तो ऐसे करते हुए 3 फैक्टोरियल अपने को और इसमें सेम चीज़ें मिलने वाली है, दैट 3 फैक्टोरियल जो अपने पास चीज़ आ रही है, चीज़ें जो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में इक्वलेंट टू एक ही अरेंजमेंट है वो, ठीक है क्या। तो इसके बाद जैसे अगर एक अरेंजमेंट अपने पास ऐसा है, जब ए डी वन डी टू डी थ्री और वाई, इस तरह का अगर अपने पास एक अरेंजमेंट है, तो अब जब ये तीनों आपस में अरेंज होंगे, यानी कितने तरीक़ों से अरेंज होंगे, ये वापस 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होंगे, तब फिर रिकाउंटिंग चल रही है पूरी भारी भयानक वाली, है कि नहीं। 3 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर और तीन और अरेंजमेंट्स आएंगे, तो ऐसे जो एक बबल जो ये बन रहा है, एक बबल उसके अंदर 6 चीज़ें आ रही है, यहाँ पर भी जो एक बबल बन रहा है वो 6 चीज़ें आ रही है, यानी रिकाउंटिंग कितने बार हो रही है, हर एक अरेंजमेंट एक्चुअल में 6 बार गिना जा रहा है, तो 6 टाइम्स हो रही है, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल टाइम्स हो रही है। तो प्रॉपर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस केस में 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होगा, ये बिकॉज ऑफ रिकाउंटिंग, बिकॉज ऑफ रिकाउंटिंग,
ये रिकाउंटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ट्रीट करते हुए ही अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अपने पास ये रहता हैप्पीनेस, अरेंजमेंट ऑपरेटर पी में डिस्टिंग्विश कर नहीं पाता और एस में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो इस केस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये हो गए 4 और ये हो गया 5, ये इधर हो गया और ये हो गया 4, 9 अपने पास लेटर्स हैं। तो 9 फैक्टोरियल अपने को चीज़ें अरेंज जैसी जैसी कर करके देखता हूँ, देख लेते हैं ज़रा। तो जब पी वन पी टू आपस में अरेंज होता तब मेरे को रिकाउंटिंग होती ऐसे। अब जब एस वन एस टू आपस में रीअरेंज होंगे तब भी रिकाउंटिंग होगी। और एक ऐसा भी सीन आएगा जब पी वन पी टू हो, और तो एक भाई अरेंजमेंट एक्चुअल में 4 बार गिना जा रहा है, या मैं कहूँ 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से और 2 फैक्टोरियल इसकी वजह से टाइम्स उतनी टाइम्स गिना जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अपने पास 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, ये पी के लिए और ये एस के लिए, ठीक है। नहीं, इसके नीचे और भी भाई एक अरेंजमेंट एक्चुअल में 4 4 बार गिना जा रहा है, तो ऐसे 4 4 के गोले अपने पास बनते जाएंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो 4 गुना अपने पास आएगा, यानी 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल आएगा अपने पास। तो उससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा सो एज टू गेट द करेक्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बस नहीं, इतना ही है। तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर जैसे हम लोगों के पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि एम चीज़ें अलाइक है ऑफ वन काइंड, एन अलाइक हैं अपने पास ऑफ अनदर काइंड, तो एम की जगह पी कर लेते हैं। तो जब तुम एन फैक्टोरियल करोगे तब तुमको रिकाउंटिंग अकाउंट में लेनी पड़ेगी, तो उसमें डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे अपने पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिस्टिंक्ट, ठीक।